यादव, स्वागत करता हूँ आपका TIO टीचर एग्जाम लाइन में। आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ उसका नाम है मानव रोग। हमारे शरीर में होने वाली अनियमितताओं को ही बीमारी या रोग कहा जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं जिसके कारण हमें बीमारियां होती हैं। उन सूक्ष्म जीवों को रोग कारक या पैथोजन कहा जाता है। बीमारियों के इलाज के लिए सबसे पहले दवाओं का उपयोग किया था हिप्पोक्रेट्स ने, तो हिप्पोक्रेट्स को औषधि विज्ञान का जनक कहा जाता है। रोग दो प्रकार के होते हैं, एक जन्मजात और दूसरे उपार्जित। जन्मजात रोग वे होते हैं जो जन्म के समय से ही बालकों में होते हैं, और उपार्जित रोग बाद में सूक्ष्म जीवों के प्रवेश करने के कारण जो उत्पन्न होते हैं उन्हें उपार्जित रोग कहा जाता है। आइए अब देखते हैं कुछ बीमारियां जो प्रोटोजोआ के कारण होती हैं। तो प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारियों के लिए एक ट्रिक है। पायल एंड लकी का मकान। पायल का मतलब पायलिया, लकी का मतलब ल्यूकेरिया। इसे श्वेत पदर भी बोलते हैं। और ये स्त्रियों में होती है। ये एसटीडी रोग है। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। का यहां पर कोई मतलब नहीं है। मां का मतलब मलेरिया, का मतलब काला ज्वर और ना का मतलब निद्रा रोग। अब कुछ बैक्टीरिया जनित रोग जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं उनके लिए जो ट्रिक है, गोटी ने निम्बो को छठा सीडी एंड एफएम प्ले करने को कहा। गो का मतलब गोनेरिया का मतलब टिटनेस, ने का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब निमोनिया। गो का कोई मतलब नहीं, छ का मतलब क्षय रोग जिसे टीबी भी बोला जाता है। का मतलब टाइफाइड, सी का मतलब सिफिलिस, डी का मतलब डिप्थीरिया, एफ का मतलब फूड पॉइजनिंग, प्ले का मतलब प्लेग, करने को पूरे का कोई मतलब नहीं है, का मतलब काली खांसी, हा का मतलब हैजा। अब देखते हैं
न्यू ट्रिक है, सास रेखा हमें हिट करके पोएची में छोड़ गई। थोड़ी सी अजीब सी है लेकिन आसानी से समझ में आएगा। सास का मतलब है एस ए आर एस, इसकी फुल फॉर्म है सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। रे का मतलब रेबीज, खा का मतलब खसरा, हमें मतलब हर्पिस, हिट मतलब हेपेटाइटिस, ये यहां पर सेंसलेस है, इसका मतलब पोलियो। ए का मतलब एड्स, चे का मतलब चेचक, मैं का कोई मतलब नहीं, छो का मतलब छोटी माता, ड का मतलब डेंगू, ग का मतलब गलसुआ और ई का मतलब इन्फ्लुएंजा। इनके अलावा वायरस से होने वाली कुछ बहुत ही फेमस बीमारियां हैं जो हैं स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और सर्दी जुकाम, नॉर्मल सर्दी जुकाम जो होता है। स्वाइन फ्लू का मतलब है, स्वाइन फ्लू जो होता है वो होता है H1N1 वायरस से, H1N1 वायरस ये सुअर में पाया जाता है। बर्ड फ्लू ये होता है H5N1 वायरस से, वायरस का नाम है H5N1 और ये पाया जाता है मुर्गी में। और नॉर्मल सर्दी जुकाम ये होता है राइनो वायरस से। अब देखते हैं कुछ कवक जनित रोग, कवक जनित बीमारी, इनके लिए ट्रिक सावा। S for scabies, A for athlete foot, G for ganjapan, A for asparagilasis. एस्पेरिजिलेसिस, ये इसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं। आइए अब देखते हैं कुछ हेलमिंथिस जनित रोग, इनके लिए ट्रिक जो है हाथी का फेस, टी ही है ना, हाथी मतलब हाथी पांव, हाथी का मतलब हाथी पांव, काका मतलब कुछ नहीं है यहाँ पर, फिर का मतलब है फेस का मतलब है फेसियो लिएसिस, फेसियो लिएसिस, टीनी का मतलब है टीनिएसिस। है का कोई मतलब नहीं है, ना का मतलब है नायु रोग। अब देखते हैं कुछ गुणसूत्र की असामान्यता से होने वाले रोग। गुणसूत्र की असामान्यता मतलब गुणसूत्रों में कमी आ जाए या गुणसूत्रों में वृद्धि हो जाए, उनसे जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।
गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, लिंग गुणसूत्र और कायिक गुणसूत्र। सबसे पहले हम लिंग गुणसूत्र की असामान्यता से होने वाली बीमारियां देखेंगे। तीन तरीके की बीमारियां होती हैं, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइन सेंटर सिंड्रोम एंड जैकब सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो है ये महिलाओं में पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है और ये गुणसूत्रों में कमी के कारण होता है। जब गुणसूत्र 46 से 45 रह जाते हैं तब होता है और इसकी टर्नर सिंड्रोम के कारण बांझपन की समस्या आ जाती है। बांझपन की समस्या आ जाती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये पुरुषों में पाया जाता है, ये होता है गुणसूत्र जब 46 से 47 हो जाते हैं तब, और इसके कारण नपुंसकता की समस्या उत्पन्न होती है। और ये जैकब सिंड्रोम जो है इसे क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहा जाता है। क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहा जाता है, ये भी गुणसूत्र जब 46 से 47 हो जाते हैं तब होता है और जैकब सिंड्रोम होने के कारण मनुष्य की प्रवृत्ति क्रिमिनल टाइप की हो जाती है। अभी हमने देखे लिंग गुणसूत्र के कारण होने वाले रोग, अब हम देखेंगे कायिक गुणसूत्र के कारण होने वाले रोग। ये कौन कौन से हैं? इनमें हैं डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, कैट क्रोई सिंड्रोम एंड लास्ट माइलॉइड सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में जिन लोगों को डाउन सिंड्रोम की समस्या होती है वो मंगोलिज्म टाइप की होती है। मंगोलिज्म टाइप के मतलब मंगोलिया के लोग जैसे चौड़ा मुंह, मोटे मोटे होंठ, उस तरह के हो जाते हैं और ये मंदबुद्धि भी होते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है? अल्प आयु में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है? इसमें मस्तिष्क एवं हृदय का विकास नहीं हो पाता। मस्तिष्क एवं हृदय का विकास नहीं हो पाता। कैट क्रोई सिंड्रोम में जिन बच्चों में ये होता है वो बिल्ली की तरह होते हैं। और लास्ट है माइलॉइड सिंड्रोम, इसमें क्या होता है? जिन लोगों को ये होता है उनमें फिलाडेल्फिया रोग हो जाता है।
आगे हम देखते हैं कुछ अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं, उनको कुछ रोग पढ़ते हैं। पहला हीमोफीलिया, दूसरा वर्णांधता और तीसरा थैलेसेमिया। हीमोफीलिया में क्या है, हीमोफीलिया ये विटामिन के की कमी से होता है। विटामिन के की कमी के कारण होता है, इसे रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। इसे रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। और इस हीमोफीलिया में, हीमोफीलिया रोग की वाहक होती है महिलाएं और रोगी पुरुष। वर्णांधता, वर्णांधता जिन्हें होता है, होती है वो रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन कलर में अंतर नहीं बता पाते। रेड एंड ग्रीन कलर में अंतर नहीं बता पाते। इनमें भी वाहक महिलाएं और रोगी पुरुष होता है। थैलेसेमिया जो है, थैलेसेमिया होता है आरबीसी की कमी के कारण, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी की कमी के कारण होता है। और विश्व थैलेसेमिया दिवस मई को मनाया जाता है। इस तरह विश्व हीमोफीलिया दिवस विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। आइए अब कुछ देखते हैं एसटीडी रोग। एसटीडी रोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी की फुल फॉर्म। एसटीडी रोग कौन कौन से होते हैं, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया एंड ल्यूकेरिया। ये कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं और इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट है एड्स। अब देखते हैं एड्स फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उस वायरस का नाम है एचआईवी वायरस। एचआईवी की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। और विश्व एड्स दिवस एक दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स के लिए प्रतीक क्या है, प्रतीक है लाल फीता, जो कि इस तरह बनाया जाता है लाल फीता। और एड्स का जो टेस्ट होता है, एड्स की जांच जो की जाती है, उस टेस्ट का नाम है एलिसा। ELISA टेस्ट। तो आज का टॉपिक हमारा मानव रोग खत्म हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।